राम राम जी, जय हिंद, जय भारत। बोल दो शब्द। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जय हिंद, जय भारत। तो आज आपा नरा दिना बाद में, कम से कम एक महीना बाद में मॉर्निंग की शुरुआत सुबह जल्दी शुरू कर रहे थे, टिफिन पैक करता है भाई। आज नरा दिन है, मैं देखा टिफिन पैक करता है, मॉर्निंग की शुरुआत ही कर लिया ना मैं। तो दो सब दर्शकान का और कहे बचाओ जी, आ जाओ खा लियो, आ जाओ रोटी खा लियो, रंडी बन रही जमागी चाय, और चाय बन रही मलाई मार, तुम्हारी चाय का कलर ही देख लियो, अलग ही दिखे जमा चाय कलर, और ये बना रहे रोटी है ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, प्यारी सी मॉर्निंग के साथ आप सबको गुड मॉर्निंग। और अभी आज क्या थोड़ी सी हवा नहीं चल रही यहाँ पे, इतने ऊपर आने के बाद में तो थोड़ी सी हवा लग रही है। नीचे मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, वहाँ तो मेरे को लगेगी गर्मी, क्या करें, पर फिर भी लगा के तो आना है यार। देखो थोड़ा सा सूरज निकल गया, थोड़ा सा निकला है, मेरे को क्या ना बच्चों को स्कूल भेजना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के आती हूँ। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से झाड़ू लगाइए, मैं यहाँ से सीढ़ियों में झाड़ू लगाने आई थी ऊपर। आज तो मोर बोल रहे हैं, बारिश आई शायद, देख लो आपको भी मोरों की आवाज़ सुनाती हूँ मैं। तो ये हमारी चुलबुल रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, दिखाना इधर देखना, देख कैसी लग रही है। तो चुलबुल, आज तुम्हारे स्कूल में प्रोग्राम है ना, क्या बोलेगी वहाँ पे, याद है क्या तेरे को? थोड़ा सा और याद कर लेना ना। तो इसको ये रेडी हो गए, चैन के टिफिन तो पैक करूँगी अब मैं। तो गाइस, जिसको भी खाना खाना है वो खा नहीं आ सकते हैं। मेरे पास है मिर्ची करूंजे की सब्जी, और ये क्या बोलते हैं, टिंडे की सब्जी। तो जिसको भी खाना खाना है वो आ जाए हमारे पास। तो मैं खाना खा के बच चुके हैं 12, क्योंकि मैं जल्दी सो, 12 बजे सोती हूँ, 2:30 बजे, 2:45 बजे, 2 बजे, दो ही मान लो 2 बजे के आसपास बच्चे आ जाते हैं, बच्चे आते उठ जाती हूँ, फिर नहीं सोना होता मेरा, इसलिए मैं सभी तो सोऊंगी। अभी बस खाना खा के आई हूँ, थोड़ी देर बाद में सोऊंगी, तो मैं ज़्यादा देर नहीं सोती, इतनी देर सोऊंगी, क्योंकि नींद जी है तो ये तो है नहीं, अभी सोऊंगी, अभी नींद आ जाएगी, थोड़ी देर में नींद आएगी, रात आई घंटे में, फिर मेरे में तो माइंड में रहते हैं कि बच्चे आने वाले हैं, अपने आप ही नींद ही नहीं आती, उड़ जाती हूँ मैं जल्दी। पर देख पीछे चुप चुप के क्या कर रहे हो तीनों बच्चे, ये क्या पॉपकॉर्न देवान पकड़ रखा है इसके ऊपर, देखो अभी गिरा रहे, गिर मत जाना है ना बेटा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चुप जाओ चुप जाओ। अरे मां राहुल सो तो थे, ये मार मम्मी, मेरी बेटी जंड, और ये मां की माया, मां की माया आ गए, चाय बना रही है, चाय दोपहर की, दोपहर की चाय, सुबह की तो थे देख ही लिया था, और ये चाय थे दोपहर की है ना, और ये चाय थे मलाई मार, मलाई मार चाहिए जब मतलब फ्रीज को नजारो देख रहे, मतलब फ्रीज में कौन माल चाहे कौन है माल, तो कौन दिख रहे यार, मेटो का बाकी चारी का आज दे। तो हेलो गाइस, हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आए, जो आज इस मतलब इस टाइम पे सबके लिए बड़ी मुश्किल होते जा रहे हैं लोगों के लिए, जो कि मैंने खुद ने देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब अपने महंगाई के बाद मतलब महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, और लड़कियां मतलब खुद की घर की लड़कियों को शादी से पहले ये सोच के रखते हैं, ये बातें आ जाती है कि हमें कितना दहेज दोगे, कितने पैसे दोगे, कई लोग ऐसे होते हैं नहीं हमें कुछ ही नहीं चाहिए, और एंड टाइम पे ना हाँ मांग लेते, या चीज तो मैं कई बार नोटिस करियो, मान तो कन्यार कलश चाहिए, मान तो काई कौन चाहिए, मान तो कन्यार कलश चाहिए, एंड टाइम पर जिया ही सगाई और जिया ही लगन गयो एंड टाइम पे, उदाहरण के तौर पर मार के ना घना सारा जैसा है ना। तो देखो मैं तुम वीडियो के माध्यम से यहाँ खेप चाहू चु, कोई एक बाप छे ना खुद की बेटी ने जाए शुरुआत में जब वो जन्म ले जाएगा ना, जब तू ले रही एक तरह से यहाँ काई बताऊं, उल्टा बेटा ना ज्यादा चाहो कौन है ना, वो तो आजकल काई में नहीं लगते, तो खूब करते हैं, और जब शादी का मौका आता है ना, उसके बाद बेचारे की जमीन बिक जाती है शादियों के चक्करों में, ये मतलब चाहे उसके पास कितनी सी जमीन रही वो बिक जाती है, लेकिन फिर भी लोग ये है कि दहेज पड़ता हुआ इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, ये पूछते हैं पहले, लेकिन ये नहीं पूछते कि क्या है, पहले पूछते हैं कि क्या काई देवला, गाड़ी घोड़ा देवला कौन देवला,
तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने खूब चीजें देखी हुई है और अभी भी देखती आ रही हूँ कि लोग एक रुपए चाहिए, एक रुपए की कहीं जरूरत हो अभी मत लिया करो, अगर कोई नहीं चाहिए एक रुपया हम ब्याह करे थे, कहते एक रुपया की जरूरत चीज ले एक रुपया। भाई देखो दोस्तों बेटिया ने क्या मतलब आजकल महंगाई इतनी छारी जे थान पतो जे तो पढ़ाई लिखाई का मायने आदमी पूरा है जाओ जे, लेकिन फिर भी जे ना कोई भी बाप जे ना ईमानदारी बात है ना कोई भी कमी कौन रखे खुद की इच्छा तो सब कुछ रे हो जाए, लेकिन पहली बात तो है तो मांग बाला का तो कहते ब्याह करना ही ना चाहिए, वो खुद की इच्छा से जो भी देव है जो भी वो सारी चीज है स्वीकार है, लेकिन मांग बाला था एक बार मांग लियो ना वो कि दे डिमांड का दे पूरी कौन है वो फिर बाद में खुद की बेटी ने नुकसान ही देते रहे हो जाए सारी चीजा के बाद मतलब परेशान करते रहे हो जाए के बाद मतलब लुगाए भी सी रहे हो जाए आदमियों पर सी रहे हो जाए सासू ससुरा सासू रहे हो जाए वो भी यही रहे हो जाए वो खुद यहाँ कौन सोचा कि भाई मैं भी यार कुड़ी के दूसरे मैं भी एक तरह से महिला ही हूँ कम से कम अपान तो यहाँ न करना चाहिए, लेकिन सभी आजकल कई केस ऐसे देखियो हकीकत में कोई फांसी खा ले जाए कोई जहर खा ले जाए कोई काई जाए कोई काई जाए एक तरह से दहेज के वजह से लड़कियां छोड़ दे जाए तो ये अच्छा बात देखो दोस्तों एक हकीकत कह रहे जो है ना बाप अतरी मेहनत सुर अतरी वो ब्याह शादी करे जाए अतरी शादी करे जाए सारी चीजा तो एक बार पहली बात तो यह कि कोई भी काई भी चाहे लाडू पूड़ी कर दे तो कोई भी बुराई मत निकाल पर करो क्योंकि वो मेहनत रहे हो जो कमाए बहुत ज्यादा मेहनत रहे हो जाए एक बेटी पाल पोस रो बड़ो कर भेजे जे ना वो कालजा का कोर एक तरह तो कालजा का टुकड़ा नहीं निकाल थान सौंप दे वो भी बहुत बड़ी भारी बात है। छोड़ो लड़कों सब चीजों को क्योंकि क्या है समाज में तुम तो पढ़े लिखे हो ना तुम तो तुम्हारे पैर भाई नौकरी करे बाद में नौकरी वाला ज्यादा मांग जाए नौकरी करे नौकरी के ऊपर जो तो खूब वही है खूब पैसा कमाओ देखो नौकरी वालों की ज्यादा डिमांड रहती है कि कतराम खरी देखो दोस्तों सही बात मैं थान बात बताऊं या अलवर करौली भरतपुर इस साइड में जन दोसा का आग अंडर ज्यादा चल रहा थी या गैंग मैन रहे उलो जी का 15 लाख रुपया नहीं 10 लाख रुपया और ऊंची पढ़ाई वो उलो नौकरी रहे उलो रुक जा तो हाँ तो नहीं बोली के अनुसार हो जाए है ना अलोर उ तरफ ज्यादा है हो जाए बोली के अनुसार एक तरह से बेच वाली का छोरा ने 17 लाख में मांग छोरो बिकाओ जाए केस केस चाहिए चाहिए कुछ हो या ना हो बस लड़की कैसी भी रहे केस दो मैं तो पैसे हाँ करौली में भी यही चल रहा था करौली पूरी करौली डिस्ट्रिक्ट में यही चल रहा है। देखो बुरा मान भाई बात कौन जो बात छह जे क्लियर छे और जो करौली का भी जो देख रहे थे तो वो सब जाना चाहिए चीज ना और मैं कोई गलत खेरे को ना मैं एक तरह से दहेज के ऊपर वीडियो बना दू या न करना चाहिए क्योंकि नौकरी आप खुद ही करे जाए आप लेर का कर ला खुद के बाप खुद की इच्छा से जो भी दे ना वो ले लो थे लेकिन डिमांड मत करो या सवाल हमारी शादी हुई जी मैं एक ही डिमांड कर बराते की खातिरदारी ढंग से कर जो हमारे 2016 में शादी हुई जी 2016 में एक ही डिमांड करे जो बराते की खातिरदारी ढंग से कर जो, लेकिन यहाँ का देखो ईमानदारी बात है माया कौन करे भाई मैं दहेज कौन लियो मैं भी दहेज लियो जो लियो कौन है मन दियो गए तो दहेज यहाँ का खुद की इच्छा से मन दहेज दिया जाए और क्या मतलब गाड़ी भी दिया जाए घर को सामान भी दिया जाए वो वहां की इच्छा से दिया जाए ईमान मैं मांगे जो मांग ना घर वाला मांगे ना कहीं वहां की इच्छा से मन दिया जाए और वो उनमें कोई ऐतराज को ना इच्छा से जो भी दो उन स्वीकार करो अहियां कोनो भाई 15 लाख में छोरो बेचवाड़ी कार्ड रखा जा 20 लाख में बेचवाड़ी कार्ड रखा जा ये बात है। मैं तो आजकल के लड़कों को कह रही हूँ क्योंकि तुम फटते हो खुद समझदार हो तो भाई जो जनरेशन आपके मम्मी पापा री जो मांगते हैं उनको छोड़ो खुद अपने पैरों पे खड़े हो अपने काबिलियत दिखाओ भाई पढ़ाई का मामला में आजकल दोस्तों कोई भी कसर कौन रखे बेटिया ने पढ़ावा को है मैं तुम्हें मार छोरी जाएगा ना पहली कहते दूसरी क्लास में सेकंड क्लास में जाए 38,000 रुपया फीस लगा जो की 38,000 रुपया तो स्कूल की फीस है ना और ट्यूशन का माइन दे 1,000 रुपया वो चीज अलग से सारी चीजें देखी जाओ तो पढ़ाई का माइन में एक तरह से कोई भी बाप है ना कोई भी कसर कौन रखा पढ़ाई का माइन तो यहाँ से देखो दहेज देखो मारी तरफ से तो एक तरह से अपराध से दहेज आज से दहेज लेबो ना देबो बिल्कुल बंद करो मारी तरफ से है ना। अगर आपको कोई भी हमारी बात गलत लगी हो तो सॉरी है मैं माफ कर देना इस चीज के लिए हम किसी के कोई ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बनाए नहीं ठेस को तो कोई वीडियो से कोई मैं बोला कौन है मैं तो सही कह रहा हूं कुछ बात तो आवला जा आवला वो तो उससे कोई फर्क कौन पड़े मारे साथी को तो कोई फर्क पड़े कौन वो भाई माँ के साथ के बाद मतलब मैं तो देखो सही बात बताऊँ मार मार ऊपर जाए न तो दहेज लेना न देना माँ का सोच रहा है ब्याह हो लो मैं तो यहीं करूँगा न तो लू न दू
तो दोस्त हमने देखा है उन माँ बापों को मजबूर होते हुए दहेज के लिए एक लड़की की शादी करते हुए तरसते हुए, तो ये चीज के लिए बता रहे थे हम बोलते कि वो हमें लगा कि आपके सामने फेस करना चाहिए और आप लोगों के कमेंट आए थे इस चीज के लिए भैया भाभी आप इस तरह वीडियो बनाना तो हमारा तो भाई थे खेल जब वीडियो बनाना तो वीडियो यही चाहिए बस दहेज एक तरह से माँ का चैनल का माध्यम से तो मैं यही कह चाहूँ जो बिल्कुल गलत है भाई। देखो एक बराते की खाते ढंग से कर दे बस यो ही बहुत है और दे दे तो कोई दिक्कत को ना मना है या नहीं कि भाई डिमांड ना करो और डिमांड जो कर लेना अगर तो ब्याह करना ही नहीं चाहिए साला और वह एंड टाइम पर भी साला कई कई तू छपा दे शेर हो जाए एंड टाइम पर बोल दे सारी तो अंडे जंड में रहे हूँ जंड भी ऐसा ऐसा वो चाहे माँ मानूस मैं हकीकत में नाम को ले बचाओ एंड टाइम पर मगर रिलेशन में भी शायद ऐसी हकीकत कह रही तू मैं एंड टाइम पर चाहे माँ मामा कोड़े भी देख लो चाहे हाँ तोरण मारता है जो रूस और बैठ जाओ बिंदु में तो तोरण को मारू कचे मन तो गाड़ी जाएगी गाड़ी आओली जब तोरण मारू ना मन तो कोई देख ली अरे तो दोस्तों देखो मीणा समाज में दुल्लो कदे हंस जाओ यानी क्या मतलब दुल्लो दुल्लो हंसे ना नहीं तो हकीकत अकाल पड़ जाओ या से बात मैं मैं मम्मी रे खेर खंदाई थी मैंने कहा जी मन नहीं तो अकाल पड़ जाओ जी माशो को नहीं या से बात तो मुंडो थोड़ी सी दम ले जति बरसात ही बरसात आ रही कबाई देखे तो अच्छा मौसम था या से बात दोस्तों चलो ठीक है मिला था कल नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय।